गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। सो गाइज, आज कुछ अजीब सा हुआ है हमारी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के साथ, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही रहा होगा। तो गाइज, प्रॉब्लम ये है कि हमारी गाड़ी के जो RPMs हैं वो ऑटोमेटिकली अप डाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि गाड़ी के वाइब्रेशन लेवल्स में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। ये कुछ अजीब तरीके की प्रॉब्लम है जो कि आई, तो मैंने ऑथराइज सर्विस सेंटर को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाइए और हम आज कुछ इसमें अलग करेंगे। तो गाइस, दिस इज़ वेरी डिफरेंट, जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, हम आपको अभी बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं कि इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आई है जिसको कि फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। सो विद दिस नोट, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी ऑथराइज सर्विस सेंटर जा करके। और आप सबसे एक गुजारिश है कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे हम और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। सो गाइज, जैसा कि हमने आपको कहा था, हम फिर से आ चुके हैं अमन ऑटोमोबाइल्स, जहां से हमारी गाड़ी रेगुलरली सर्विस होती है। तो आज हमारे साथ हैं अमन ऑटोमोबाइल्स के मैनेजर अरुण जी। इनसे, अरुण जी से हम पहले भी वीडियोस में बात कर चुके हैं, जो कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा था। तो आज हम अरुण जी से जानेंगे कि ये जो हमारी क्लासिक की RPM की प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली में क्या है और इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है। तो अरुण जी, कुछ बताएं इसके बारे में। सर, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा अपना मौसम भी ठंडा हो चुका है, तो उस वजह से भी RPM फ्लक्चुएट होता है। okay. बाकी कंपनी ने अभी BS6 में अपना सारा EFI सिस्टम कर दिया है। okay. उसके लिए अपने को कई बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। okay. तो बस वही प्रोसेस रहेगा अपना, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। गाइस, आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारी गाड़ी का ECU रिफ्रेश किया जा रहा है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑन YouTube कि आप देखेंगे कि रॉयल एनफील्ड का BS6 मॉडल का ECU कैसे रिफ्रेश होता है। सो गाइस, आइए जानते हैं आगे का प्रोसेस। ठीक है गाड़ी, लाइक मी। सो गाइस, द प्रोसेस गोज लाइक दिस कि सबसे पहले गाड़ी को की ऑन किया जाता है। गाड़ी को, गाड़ी की फीचर्स को ऑन करने के बाद यहाँ पे एक डेडिकेटेड टूल है जो कि यूज किया जाएगा। ये अपना डूल टूल है, ये कनेक्ट हो जाता है अपना। सो ये टूल है रॉयल एनफील्ड की तरफ से जो कि प्रोवाइडेड है। ये टूल हमारी गाड़ी के साथ ऑलरेडी कनेक्ट किया जा चुका है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इसको कनेक्ट कर दिया गया है, और ये टूल अब कनेक्ट किया गया है लैपटॉप के साथ में, जो कि अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रॉयल एनफील्ड के एक एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन से चलेगा। तो गाइज, अब आप देख सकते हैं ये रॉयल एनफील्ड का एक एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और अब अरुण जी हमें आगे का प्रोसेस बताएंगे कि अब इसमें क्या क्या होने वाला है। जो बाइक है कनेक्ट हो चुका है ECU अपने सिस्टम के थ्रू। इसमें भी आप देखेंगे तो आपकी बाइक की पूरी डिटेल आ गई है, रॉयल एनफील्ड है, कौन सा मॉडल है और कौन सा इसमें ECU लगा हुआ है, किस ब्रांड का लगा हुआ है, क्या चेसी नंबर है, और मतलब ECU रिलेटेड सारा आपका डाटा इसमें आपको शो इसमें कर दे। आ चुका है, आ चुका है। ओके। इसके बाद हम इसमें जाके अपना DTC चेक कर लेंगे। कोई DTC तो नहीं है, DTC बोले तो कोई भी एरर कोड, अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो आपका ये लाइट जो है ये ब्लिंक करने लगता है। ओके। और वो कोड आपको यहाँ पे शो कर देगा। ओके। कि किस सेंसर में दिक्कत है या किस पार्ट में इशू आ रहा है। तो अभी आपकी बाइक में कोई इशू नहीं है, यहाँ कोई DTC कोड शो नहीं कर रहा है। ओके। ये करंट का है, आप इसमें हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि इससे पहले कोई प्रॉब्लम ना रही हो, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं है, तो एक क्लियर दिखा रहा है आपका। इसके बाद आपका लाइव डाटा है, अगर आप बाइक स्टार्ट कर लेंगे, अभी आप देखेंगे फ्यूल पंप ऑफ आ रहा है, इंजेक्शन मोड डिसेबल आ रहा है, जैसे ही आप स्टार्ट कर लेंगे। ओके।
ऑन हो चुका है, देख लेते हैं। अभी आपका आरपीएम जो रहना चाहिए एक्चुअल वही है, इतना फ्लक्चुएट चलता है, 1050 से 1200 आरपीएम के बीच आपका रहना चाहिए। ओके, और अभी वही शो हो रहा है अपने को, तो 1050 से 1200 के बीच में रहना चाहिए। हाँ, बीच में रहना चाहिए। ओके, तो ये जो बीच बीच में कभी कभी प्रॉब्लम आ रही है कि ये ज़्यादा गिरता है, तो ये क्यों हो रहा है फिर? ये मतलब जनरली सर होना नहीं चाहिए, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, एक हजार पचास से नीचे तो अभी तक नहीं गया है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त अरुण जी यहाँ पे जो है इसको पूरा प्रॉपरली चेक कर रहे हैं, जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये बार है जो यहाँ से यहाँ तक रन अक्रॉस कर रहा है, और फिर ये हमको बताएगा कि एक्चुअल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ है और किस चीज़ से आ रही है। बिल्कुल, अभी आप जैसा देख पा रहे हैं ये अपना 30% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये पूरी एक एनालिसिस रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें आप देख पाएंगे अगर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम उसमें है या नहीं है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कि ये रिपोर्ट जो है ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद इसमें जो है एरर कोड या जो भी प्रॉब्लम है वो रिपोर्ट जनरेट होगी, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि वो आगे क्या होगा। अभी हम अपना इंजेक्टर पे जाएंगे, जैसा आप कह रहे थे ना बंद हो रहा है, तो हाँ, उसको हम यहाँ रख के एक्टिवेट और रिफ्रेश कर सकते हैं। तो गाइज ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्टिवेट आ चुका है, एक्टिवेट और रिफ्रेश किया जा रहा है। ये देखिए, ये हो गया, मतलब जिस भी पार्ट से रिलेटेड इशू होता है फोन कर सकते हैं। इग्निशन कॉइल को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइज अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी गाड़ी का मैनेजमेंट जो है वो ऑनलाइन एक लैपटॉप से हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि रॉयल एनफील्ड ने अपनी गाड़ियों को इतना एडवांस कर दिया है कि यहाँ पे ही मैं एक एक चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं इग्निशन कॉइल, इंजेक्टर और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी चीज़ें जो है ना ऑनलाइन चल रही है, विच इज़ एब्सोल्यूटली अ वंडरफुल थिंग विच इज़ डन बाय रॉयल एनफील्ड। सो गाइज, जैसा कि अब आपने देखा कि हमारे ईसीयू को अप्रोप्रिएटली रिफ्रेश किया है, अभी यहाँ पे अमन ऑटोमोबाइल्स में हम आए हुए थे, यहाँ पे जितने भी इंजेक्टर्स, वॉल्व्स और जितने भी डिजिटल पार्ट्स हैं जो कि अब इस गाड़ी में आते हैं उसको एब्सोल्यूटली रिफ्रेश करा है, और उसके बाद इसको एब्सोल्यूटली चेक करा है। तो गाइज़ अब देखते हैं इसको टेस्ट राइड लेकर के कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है, फिर मैं आपको अभी बताता हूँ। सो गाइज़, फाइनली हमारी बाइक हो चुकी है रेडी। जो आरपीएम का एक प्रॉब्लम आ रहा था कि जो अप डाउन हो रहे थे वो बिल्कुल भी रिजॉल्व हो चुकी है, और अरुण जी मेरे साथ हैं अभी भी, इन्होंने पर्सनली बाइक को टेस्ट किया है एंड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हमने बिल्कुल एब्सोल्युटली रिजॉल्व हो गई है। सो गाइज़, अगर आपकी भी बाइक में कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप अमन ऑटोमोबाइल्स गुड़गांव के सर्विस सेंटर को प्लीज़ विजिट कीजिए, एंड डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आपको एटलीस्ट यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो अरुण जी कुछ कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स से? सर की बाइक में जैसा कि आपने देखा कि ईसीयू हमने रिफ्रेश कर दिया है, अगर इन केस आपकी भी किसी बाइक में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आरपीएम फ्लक्चुएट हो रहा है या बाइक चलते चलते बंद हो जाती है, तो आप भी अमन ऑटोमोबाइल विजिट कर सकते हैं और अपनी बाइक को फ्री ऑफ कॉस्ट ईसीयू रिफ्रेश करा सकते हैं। सो गाइज, विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड। Thank you.